तू चांद और मैं तारा। उस छोटी हड्डी का ताना दे दिया तुमने सारे खानदान के सामने मुझे, ताकि उनको भी पता चले कि मैं उनके बेटे को उनसे अलग करना नहीं चाहती। ये जो तुम्हारा सबके साथ रहने वाला भूत है ना, ये 4 दिन में उतर जाएगा, और अगर 1 दिन में उतार रहे ना, चलो मेरे साथ मेरे घर। बच्चों को दूर करके कौन से माँ बाप को अच्छा लगता है? और जो माँ बाप ये कड़वा घोंट पीते हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए, वो भी नमान अमानत है। तो मैं भी तो तारा के फ्यूचर के लिए ही कह रहा हूँ। और तुम लोगों के फ्यूचर के लिए, जो तुम्हारे बाऊ जान ने दूसरी शादी नहीं की, उसके बारे में क्या? यार बनाना चाहिए हमें बाबू वेडिंग का। हाँ बस अल्लाह नजर में लगाए। अरे ओ नहीं, अरे लगा दी ना नजर। बाबू भैया मत्ती से कहें जनरेटर चलाए। मत्ती जनरेटर चलाओ। अरे पता नहीं कहाँ रहता यार, तो तुम खुद जाकर चला दो। है? मैं देखता हूँ। जाओ जाओ। अरे ओ देख के बाबू भैया देख के। ओ बहुत अच्छा है, लोगों को भी बहुत पसंद थे गजरे। समझ गई पति। पति हम यहाँ हो। इधर मैं अब तो चलिए यार, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा यार वहाँ तो इतने सारे लोग हैं, कैसे ढूंढेंगे हम? एक छोटी सी रिंग तो है यार, तुम क्यों इतना अपसेट हो रही हो? तुमने दिया था वो गिफ्ट मुझे, मैं और ला दूंगा गिफ्ट। यार बात उस गिफ्ट की नहीं है, उस मोमेंट की है जो उस गिफ्ट से वाबस्ता है। चलो शुक्र है तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ कि चीजें नहीं बल्कि मोमेंट ज्यादा अहम होते इंसानों की जिंदगी में। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ। तो लो अपना हाथ। दोस्ती के बच्चे पहले जमीन से उग तो जाओ तुम। इधर दो ये रिंग। नहीं ये मैं अपनी फ्रेंड को दूंगा, जिसे हाशु भैया ने रूमी भाभी को दी थी, सब देख रहे थे मैंने वीडियो में। डॉलर ही वापस करो, तुम्हारी भाभी की है ये। आपने दी थी? हाँ मैंने दी थी। तो अच्छा तो मैं अब भी तारे भाभी के डैडी को बताता हूँ। अरे मेरी भाभी अपनी बेटी को ये पहना रहे। अच्छा अरे बेटा ये जो है ना छुप के नहीं पहनाई जाती, ये सबके सामने पहनाई जाती है। यस अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सबके सामने पहना देता हूँ। अरे हाँ बेटा पूरी इजाजत है, ये लो आओ मेरे साथ। अटेंशन खवातीनो हजरात। चलो शुरू हो गया इनका मेलोड्रामा। आज हम अपनी बेटी डॉक्टर रैंतारा और सारिम गुलजार की ऑफिशियली एंगेजमेंट अनाउंस करते हैं। राजी मैं रिंग तो बना दूं पहले। रिंग तो बना दे भाई, पहले पहले 1 मिनट भाई रिंग तो बना दे यार। घुटनों पे घुटनों पे नहीं बेटे, ऐसे बना देता हूं। हेलो घुटनों पे राजी भी है ना यार। मिल यू मेरी भी नहीं प्लीज ना कैमरा इधर है। राजी ओके एंगेजमेंट। ताली तो बजा दो यार ये। चलो सजा सुना दी भाई। वाह भाई वाह। वेलकम वेलकम कर रहा है। अरे अभी आप नहीं लगा, हाँ ये सिर्फ एंगेजमेंट हुई है भाई, है ना? मिठाई मस्ती, इनको भी खिलाओ मिठाई। मुबारक अरे मिठाई नहीं नहीं मैं खा लेता। आप लीजिए बस शुक्रिया। ये लीजिए बेगम साहिबा नोश फरमाइए। ये क्या है? ये कोई पिस्तौल की गोली नहीं है, ये
सर दर्द की गोली। सर दर्द से फटा जा रहा। अरे यार राजी, आज बेटी की खुशी का दिन है, आज तो कम से कम ये 111 माथे से हटा लो। अरे सफीरा भाभी, क्या डांस किया है यार? मेहमान खा ले, फिर हम लोग भैया। हाँ डाका पड़ गया, पड़ गया डाका खाने पर। वो कैसे? वो हाशिर और रूमी के जो 10 मिलियन फॉलोअर्स है ना, उनमें से 200-300 आए थे, वो खाने के ऊपर टूट पड़े, ढाबा बोल दिया। सत्यानाश, बेड़ा गर्क उन फैंस का। बिरयानी तो परात समेत ले गए और गजरेला शॉपर समेत। गजरेला भी? बाबू भैया पुलिस को फोन करें। हाँ तो तुम्हें क्यों नहीं उठा कर ले गए? तुम वहाँ खड़े होकर देखते रहे बस। उनकी खाने के अलावा किसी में नजर नहीं थी यार। अरे चलो चलो खुद जाके देखते हैं। चलो अल्लाह माफ करे, ऐसे लग रहा था जैसे जंगल से छूट कर आए। अरे अजीब, ये जो सेलिब्रिटीज के फंक्शन होते हैं उसमें ऐसा ही होता है यार। भाड़ में गए ऐसे नामने हाथ सेलिब्रिटीज, खाना तक तो नसीब नहीं हुआ। ये मोबाइल लगाओ चार्जिंग। अरे मामा, सारिम ने आपसे कहा तो था अलग से खाना लगवा देता हूँ। क्या अलग से खाना लगवाता, जनरेटर के लिए पेट्रोल तक का बंदोबस्त तो कर नहीं सका वो। भाई तुम्हारे होते हुए पेट्रोल की तो जरूरत ही नहीं थी। और तुम्हारे होते हुए किसी जोकर की क्या जरूरत थी स्टेज पर मंगनी का छछोरापन करने की? अच्छा, जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था उस वक्त तो तुम बड़ा प्राउड फील कर रही थी। अकल नहीं थी मुझ में उस वक्त। काश तुम पहले जैसी बेअकली होती। अच्छा खैर छोड़, गुस्सा छोड़, हम दोनों कैंडल लाइट डिनर के लिए चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। तुम दोनों बाप बेटी जाओ, मैं तो बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही। चली गई। अच्छा बेटा मैं भी चलता। नहीं ना पापा, यही रुक जाए आप। अरे नहीं बेटा, सुबह दफ्तर के बहुत काम है। अरे पापा सब खाना खा कर जाए। अरे सुनो तो, ढाई टिक्का उड़ा लिया था सारिम और मत्ती के साथ, और चुपके से सारिम के कान में भी कह दिया था। क्या? यही के खाना घर पहुंचवाओ। पापा थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अरे तुम मेरी जान हो। सुनो अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें अच्छा लगा ना सारिम का सबके सामने तुम्हें प्रपोज करना? यकीन जानो जब मैंने तुम्हारी माँ को सबके सामने प्रपोज किया था ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पहले बहुत अच्छी थी, पता नहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया उसके अंदर। पर आज भी आप मोहब्बत तो उन्हीं से करते हैं। अरे वो तो मैं सारी जिंदगी करता रहूं। ड्रामेबाजी करवा लो दोनों बाप बेटी से जितने मर्जी। मोबाइल कहा था ना चार्जिंग पर लगाओ, खुद ही लगा लेती हूँ। सॉरी मामा। शर्मा गई। ओके बेटा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज। अरे फंक्शन का बेड़ा गर्क कर दिया। माने ना माने, नजर लग गई सब। अरे ऐसा लग रहा था जैसे जंगल से जंगलियों ने हमला कर दिया हो। दो मिनट के अंदर अंदर सब चट। अबे तुम लोगों के फैंस क्या भूखे नंगे थे? नहीं मिच्छू, हमारी कंपटीटर्स की साजिश थी है। हमारा फंक्शन खराब करने के लिए। बे डुंगक घुमा के कंपटीटर्स वाला, कहा था ना कि सोशल मीडिया पर मत डालना। अंकल स्वीटो ने नहीं, मैंने पोस्ट डाली थी। बस कल का फंक्शन कैंसल। पाउचर सबको वेन्यू का पता चल गया है, अब रुखसती होगी तो खामोशी के साथ। अंकल ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो लहंगा शूट सबका अरेंजमेंट कर दिया था। सुच कुछ कहो ना, चुप करो। गुलजार साहब ने जो कह दिया वही हो गया। बाबू भैया लेकिन हमने तो पूरे खानदान को कह रखा है। हाँ तो मैं खानदान के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं मैसेज कर देता हूँ। हाँ हाँ बाबू भैया ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, इनके फैंस तो ऐसी की तैसी कर देंगे फंक्शन की। क्या? लेकिन हमने जो देशांतर राजा मेरे बाबुल का प्यारा में डांस परफॉर्मेंस देनी है, उसका क्या होगा? तुम्हारी परफॉर्मेंस तो देख ली जनरेटर के मामले में, डीजल तक का बंदोबस्त नहीं किया हुआ था तुमने। दिस इज सो अनफेयर। रुको मैं करता हूँ। बाजान देखे आप समझदार हैं, आप कुछ समझाए ना अपनी बच्ची को। आप टेंशन ना ले, गुलजार साहब जो कह रहे वो ही हो। ये इतना स्लो मोशन लेकर चल रही है, लगता है फूलों की खुशबू दिमाग पे चढ़ गई है इनके। वैसे इस वक्त चांद कहाँ गया, चांद चढ़ाने के लिए? गया है अपने होने वाली ससुराल में खाना देने। मती उसको भी तुम्हारा वाला रंग चढ़ गया, जोरू के गुलाम वाला रंग।
अच्छा आप सब लोग बातें छोड़े, गुलजार साहब दूध पत्ती बनाकर लाऊं आपके लिए? हमें डॉक्टर ने मना नहीं किया दूध पत्ती पीने से, हम भी पी सकते हैं। मैं अभी ला। ये क्यों बैकी बैकी बातें कर रहे हैं? तो अल्लाह ही जानता है और मत्ती भी जानता है। चलो भाई कल का स्यापा तो मुक्का, अब चल के आराम से सोते हैं। हाँ। एक काम करते हैं, हम सब मिलकर हॉरर मूवी देखते हैं। जब तुम्हारी मामा और ताई मेकअप उतारेंगी ना तो तुम देख लेना हॉरर मूवी। उसके बाद है ना फिर एक्शन मूवी भी चलेगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, ये खाना अंदर ले जाइए। हेलो मंगेतर साहब। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। अरे सिचुएशन इतनी फनी हो गई थी। अरे तुमने खाने पे हमले का मंजर नहीं देखा? मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक ही मंजर कैद था, यही कि एक डैशिंग और स्मार्ट नौजवान तुम्हें सबके सामने प्रपोज कर रहा था। काश के इस हैंडसम को ख्याल आ जाए कि भूखी हूँ मैं सुबह से। अरे तो खाना लाया हो ना, मम्मा कहाँ है? वो तो सो गई। सो गई फिर चलो मेरे साथ। कहाँ? आज इस बजाबता मंगनी को एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। लॉन्ग ड्राइव, सैंडविचेस एंड कॉफी। 12:30 बज रहे हैं। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें एक घंटे में वापस छोड़ दूंगा। इनफैक्ट तुम गाड़ी में बैठ के मम्मा को मैसेज भी कर देना। अच्छा मैं घर की कीज़ लेकर आती हूँ और रजिया को बोलती हूँ खाना फ्रिज में रख। रजिया तो सो रही है ना। अरे रजिया, राजिया नहीं। तो ये रजिया और राजिया इतना कंफ्यूजिंग है यार। रजिया, राजिया। चलो क्या हुआ? कभी कभी जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है ना। मुझे तो तब लगती है जब तुम साथ होते हो। मैं आज बहुत खुश हूँ। तो इस खुशी में कुछ खिला दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे आई एम सो सॉरी यार, तुम साथ होती है ना मैं सब भूल जाता हूँ। लेट्स गो। अरे शुक्र है यार ये रेस्टोरेंट खुला हुआ मिल गया। बहुत भूख लग रही है। जी सर। यार कुछ खाने को मिलेगा? सब कुछ है सर। वेरी गुड, क्या खाना है? आप कुछ भी मंगवा लो। कुछ भी ले। एक मिनट यार। अरे कार्ड चलता है ना? ओनली कैश पेमेंट। नहीं करो यार। क्या हुआ? अच्छा ठीक है बताता हूँ मैं तुम्हें। ओके सर। अरे यार सारा कैश हाशिम ने निकाल लिया शायद, कार्ड चल नहीं रहा है। तुम गाड़ी अंदर से लॉक करो, मैं एटीएम से होकर आ रहा हूँ। अरे कहाँ जाओगे तुम एटीएम इस वक्त, कहाँ ढूंढोगे, रात के 1:00 बज रहा है। अरे वो पीछे मैंने देखा था ना, तुम गाड़ी लॉक करो ना बस मैं आ रहा हूँ। छोड़ो रहने दो, चलो घर। भाई तीसरी बार ताना नहीं सुन सकता मैं बस यूं गया रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शब्बीर, इमरजेंसी है, मामा का फोन शायद साइलेंट पे होगा, मैं अभी कॉल करती हूँ उनको। जी सर। अरे क्या ये, लक्कड़ अपना फोन भी यहीं छोड़ के चला गया है, कहाँ गया है, क्या करूँ? अरे यार यार यहाँ के एटीएम है? इधर है ना। नहीं आउट ऑफ ऑर्डर है ना। दूसरा उधर भी है। कहाँ पे? बोला। ओके जी जी बस मैं पहुंच रही हूँ सर, मैं फौरन पहुंच रही हूँ, बस मैं रास्ते में ही हूँ। थैंक गॉड। अरे
ये भी आउट ऑफ ऑर्डर है। अरे यार अब क्या करूं मैं, चलो फिर तारा को कॉल करके बता। फोन भी गाड़ी में ही रह गया। अरे यार मैं फजूल में इतना दूर निकल आया। चलो अब चलते हैं वापस, क्या करें भाई। अरे मेरी गाड़ी कहां गई? अरे हेलो भाई साहब इधर आइएगा, यार मेरी गाड़ी खड़ी थी यार, कहां गई? पता नहीं सर, पता नहीं। तारा उसमें, अरे यार रिक्शा चल यार, सीधा 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 से चल। डॉक्टर खलील आपके पास मेरा लैंडलाइन नंबर था ना, आप उस पर फोन कर लेते। तारा तो ट्रेनी है, वो कैसे हैंडल करेगी। ओके ओके डॉक्टर शब्बीर हैं आपके पास, ठीक है मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ओके इस वक्त कौन आ गया? मम्मी जरा 500 रुपए कैश दीजिएगा, मैं रक्षा वाले को फारिग करूँ, मेरे पास कैश नहीं है इस वक्त। क्या बात है, इतनी टेंशन में कहाँ से आ रही हो? मैं सब कुछ बताता हूँ आपको, आप प्लीज कैश दे दें मुझे, बहुत बड़ा मसला हो गया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। रुको लाती हूँ। नाजानी देखो मैं क्या लेके आया हूँ। खाना ले आए? ऑर्डर किया क्या? अरे मेरी नाजो अपनी जान पे खेल के सबके सामने से उड़ा के लेके आया। क्या? यही बिरयानी कोरमा और थोड़ी सी रोटियाँ। ये कहाँ से मिला आपको? जहाँ तक मुझे पता था माले गनीमत तो लूट लाट के ले गए थे वो कमबख्त फैन। जानी जब वहाँ पे गदर मचा हुआ था ना, सलीम भाई और बाबू भैया पुलिस को कॉल करने में बिजी थे, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी जान का ही ख्याल था। भीड़ को चीरते हुए, देख को फोकस करते हुए बस मैं कूद पड़ा वहाँ पर, और तुम्हारे लिए बिरयानी और कोरमा उड़ा के ले आया सबसे नजरें बचा कर। मत्ती ना जताया करें कितना प्यार, डर लगता है मुझे। डर किस बात का जानी? पाकिस्तानी ड्रामों में नहीं देखा जितने भी लविंग केयरिंग और अच्छे हस्बैंड होते हैं उनके साथ क्या होता है? क्या होता है? वो दूसरी तीसरी एपिसोड में मर जाते हैं। अस्तगफुरुल्लाह, चुप चुप बोलो जानू, मैंने अभी दुनिया में देखा ही क्या है। सुनो तुम ये बिरयानी और कोरमा खाना शुरू करो, मैं किचन में देखता हूँ और क्या रखा है, रायता चटनी सलाद वगैरह। मीठा भी देख लेना। ओके नास, किस्मत हो तो तेरे जैसी, बस कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए मक्की को। खाना खाते आई स्वेयर मम्मा सिर्फ 10 मिनट के लिए एटीएम तक गया था, वापस आया तो ना गाड़ी थी ना तारा, मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा फोन भी गाड़ी में था, वॉलेट भी गाड़ी में था, उसमें कैश भी नहीं है। फिर मैंने एक शख्स से फोन लेके तारा को कॉल की है, वो पिक नहीं कर रही है, अपने नंबर पे ट्राई किया तो भी कोई पिक नहीं कर रहा, फिर मैं उसी इलाके के पुलिस स्टेशन चला गया। क्यों? FIR कटवाने ना गाड़ी और तारा की गुमशुदगी की, मुझे लगता कि शायद कोई गन पॉइंट पे ले गया है, लेकिन वो पुलिस वाले FIR काटने से मना कर रहे हैं, वो कह रहे इतनी जल्दी FIR नहीं काटते। अब आप बताएं हमें क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल जाना चाहिए, इमरजेंसी। मम्मा आपकी बेटी मिसिंग है, इससे बड़ी इमरजेंसी और क्या होगी? तो तुम्हारे साथ गई थी ना, तुम्हें उसका ख्याल करना चाहिए था। मम्मा मैं तो कह रहा हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं तारा को कहकर गया था कि गाड़ी लॉक करके बैठे, मैं 10 मिनट में वापस आ गया था। यंग मैन 10 मिनट में पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है, अब बैठो गाड़ी में और चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल जाके क्या करूंगा मम्मा? अपना वॉलेट और अपनी गाड़ी वापस लेकर आना जो तारा ले गई। तारा हॉस्पिटल में क्यों? इसलिए कि वो एक डॉक्टर है और डॉक्टर के लिए उसकी पर्सनल लाइफ से ज्यादा उसकी प्रोफेशनल लाइफ इम्पोर्टेंट होती है। कॉल आ गई थी उसे इमरजेंसी से और वो मुझे बिना बताए चली गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम दोनों मुझे बताए बगैर चले गए थे कॉफी और सैंडविच उड़ाने। ये भला कोई वक्त था? शहर के हालात देखे तुमने? आई एम सॉरी, शायद उसी बात की सजा मिली है, लेकिन तारा को तो मेरा वेट करना चाहिए था। तारा एक डॉक्टर है और डॉक्टर के लिए उसके पेशेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तारा ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। चलो गाड़ी आप ड्राइव करेंगे या मैं? आप चलाएंगे। रात के 2:30 बज रहे, तुम यहाँ पे चहलकदमी कर रही हो? चांद भाई को कॉल कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया, आई नहीं अभी तक। अरे
वो अस्पताल में है तारा के साथ, उसने डॉक्टर राजिया के फोन से कॉल की थी। डॉक्टर राजिया की क्यों? उसका फोन गाड़ी में है और वो चाबी तारा के पास है और तारा ऑपरेशन थिएटर में है। वाओ, क्या स्टोरी निटिंग है भाई। अच्छा तुम उसकी स्टोरी को छोड़ो, तुम जाकर सो, उसके पास चाबी है गेट की, तुम्हें चौकीदारी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बाबूजान, वो बास्केटबॉल फेडरेशन के सदर की ना ईमेल आई थी तो। हाँ ठीक है ठीक है, चली जाना भाई, तुमने मेरी जान नहीं छोड़नी। हाँ चली जाना बस। हाँ जुग जुग जियो बाबूजान, आपको पता है दुनिया के बेस्ट फादर है वो तो मैं। अच्छा बाबूजान। बेटा अब इजाजत दे दी, एक दिन में एक ही फरमाइश बहुत होती है। नहीं वो नहीं, बस ये कहना था कि आई प्रॉमिस एक बार फ्यूचर गोल्स कंप्लीट हो जाना फिर देखेगा, कपल गोल्स पे भी ध्यान दूंगी मैं। क्या कपल गोल्स? अच्छा वो कपल गोल्स, मैं वो फुटबॉल वाला गोल समझ रहा था। गुल्लो जिंदा होती तो बहुत खुश होती, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की सपोर्टर थी वो, उन्हीं की वजह से तो हर लेवल पे खेल पाई हूँ मैं। बिछड़ा कुछ सदा से गिरो थी बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। कुछ ना सही पर अम्मा जाते जाते ना आपको शायर बना गई हैं। हाँ बेटा आधा शायर तो मैं उसको देख के बना था, उसके जाने के बाद अब पूरा शायर बन गया हूँ। वाह क्या बात है, हाथ मिलाए, मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ बाबूजान, क्या शायर। अब फैन के सोने का टाइम है, चलो बहुत देर हो गई। अच्छा बेड टाइम। बेड टाइम। She's fine, इन्हें बस वार्ड में शिफ्ट करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपने मेरी बेटी की जान बचा ली, वरना और हॉस्पिटल वालों ने तो ये केस लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन जान बचाने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है, आप परेशान मत हो। शुक्रिया। सॉरी यार इमरजेंसी में निकलना पड़ा। तुम सोचो मैं कैसे निकलूंगा वहां से, ना मेरे पास पैसे थे ना मोबाइल, और सबसे बड़ी बात तुम्हें गाड़ी समेत गायब पाकर मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी इस बात का अंदाजा है तुम्हें? पिछले 3 घंटों में क्यामत से गुजरा हूँ यार। पहले मैं पुलिस स्टेशन गया, वहां धक्के खाता रहा, फिर एक रक्षे वाले की मिन्नतें समझे थे कि तुम्हारे घर तक पहुंचा, मम्मा से पैसे लेकर उसे दिए, तो पता चला कि डॉक्टर साहब यहां पर इमरजेंसी को। अरे अरे तारा, तारा डॉक्टर, हेलो तारा डॉक्टर। अरे डॉक्टर तो ये खुद तारा। हेलो तारा डॉक्टर, तारा डॉक्टर, इनका ब्लड प्रेशर 90/70 है। सारा सारा दिन तुम खाना नहीं खाओगी, तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो लो ही होगा ना। आई एम सॉरी, इसने 2 बार मुझसे कहा था खाना खाने के लिए, मैं अभी तुम्हें ही खिलाना पड़ेगा। डॉक्टर मामा पैसे। कैफेटेरिया का बिल मैं पे कर दूंगी, और बाद में इसे घर भी ड्रॉप कर देना, लेट हो जाऊंगी मैं। जी स्ट्रेचर मंगा लूं? क्यों? कैफेटेरिया जाने के लिए, ऐसे कोई नहीं मैं गोद में ले जाता हूं, खुद चल सकती हूँ। अरे बात तो सुनो, उस वक्त भी कह रहा था खाना खा लो, लेकिन खुद नहीं खाया तुमने। वो चप्पल तो निकाल लूं। चलो तुम्हारे पीछे ही हूं, गिरने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। कमल के सीधे हाथ पे। थैंक यू भाई साहब। मालिक थैंक यू। पता है मैं आना नहीं चाहती थी इस मेडिकल फील्ड में, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे ये प्रोफेशन पसंद नहीं है, मुझे लगता था शायद मैं कभी इससे इंसाफ नहीं कर पाऊंगी। मेरा सारा बचपन इसी हॉस्पिटल के कॉरिडोर, ओपीडी और इमरजेंसी में भागते दौड़ते गुजरा है। बार दफा मामा और नानों के 24-24 घंटे यहीं गुजरते। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ सारे, लेकिन अपने काम से ना इश्क है मुझे, और इश्क बार दफा मोहब्बत पर गालिब आ जाता है। इसलिए तुम अभी भी चाहो तो अपने लिए कुछ और सोच सकते हो। अब क्या सोच लूं मैं,
तुम्हारे साथ इतना मशहूर हो गया मैं कोई नहीं मिलेगी मुझे। चलो चल के गाड़ी में बैठो, कोई और सोच लो। बहुत आला भाई वाह। तारा ये इश्क और मोहब्बत वाले भाषण ना मुझे दोबारा मत देना, क्योंकि तुम वो वाहिद लड़की हो जिसे मैंने टूट के चाहा। शायद तुम्हें इस बात का एहसास भी ना हो, इतने हुजूम में तुम्हारा चेहरा वो वाहिद चेहरा है जिसे देखकर मुझे जिंदगी पर प्यार आ। मैं जानता हूं तुम्हारा प्रोफेशन तुम्हारा इश्क है, और मैं तुम्हारे इश्क की राह में कभी रुकावट भी नहीं बनूंगा, क्योंकि जिनको चाहा जाता है उन्हें समझा भी जाता है। नजर के इशारों में मैं ही रहूं, करूं वो जो तुम्हें कहो। बादल बने फिजा में उड़े के मौसम ये गाए मरहान। मैं सो गई थी क्या? नहीं नहीं, एक्टिंग कर रही थी तुम तो। गफ्फर उठाया क्यों नहीं मुझे? क्योंकि मेरा दुनिया से उठने का कोई इरादा नहीं था भाई। अच्छा चलो जाओ, जल्दी देर हो रही है। सुनो, सोते हुए क्यूट लग रही थी इसलिए नहीं उठाया। कितने फ्लर्टी लगते हो ना तुम इस तरह की बातें करते हुए। यही लाइंस मैंने किसी और लड़की से बोली होती ना तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होनी थी। गला दबा देती मैं तुम्हारा। तो चुकी और कितनी बार मारूंगी। सच्ची बन जाओ तुम बच्ची। चलो जाओ जल्दी देर हो गई। एक पल तो ठहरो ना, जी भर तो मैं देख लूं, आंखों में देखूं तो सारा जहां घूम लूं। अबे चन्ना कितना गुजारी है रात में? बस बस आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यकीन जाने राय मोहब्बत में आपके पैरों की खाक भी नहीं है। इसके लिए पहाड़ जैसा जिगरा चाहिए होता है जो कि मत्ती के पास है सिर्फ, क्योंकि मत्ती के एक्सपीरियंस को मत्ती के अलावा कोई बीट नहीं कर सकता। आ कहाँ से रहे हो वैसे? अरे यार मैं नाइट ड्यूटी करके आ रहा हूँ तारा के हॉस्पिटल से। हाय इब्तिदा है इश्क मेरी जान, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। ये स्टार के सिग्नल्स क्यों उड़े हुए? एक मिनट अभी करंट लाता हूँ। मच्छू क्या कर रही, क्या है यार? ये वही पानी है जो बाबू भैया ने फेरा है तुम्हारी उम्मीदों पे। बड़ा रूमी हाशिर हैशटैग वेडिंग चल रहा था ना तुम्हारा। लगता है कुछ हुआ है मेरी गैर मौजूदगी में यार। वलीमा कैंसिल, बारात कैंसिल, अब ये अकेले छैया छैया करते हुए जाएंगे अपने छोटे तैयारे को लेने। बाकी उड़ाए मजाक जितना उड़ाना है। अगले संडे आपकी शादी है ना, मुझसे बड़ा मिसहैप होगा आपके साथ चांद भाई। अब मत्ती ये ले गरम गरम देसी अंडे और चाय। ओ माय गॉड। हाशु खबरदार तूने हाथ लगाते, चाचा के अंडे है। अच्छा हमें तो लग रहा है मुर्गी के अंडे हैं। चांद मैं हाथ तोड़ दूंगी, रखो अंडा वापस। अब तो हाथ टूटे अम्मू ये अंडा मेरे पेट में ही जाएगा। चांद क्या भाई, एक तो मैं अंडे बॉईल करके लाई थी। कोई बात नहीं, चाय तो है ना। चाय रह गई या वो भी मैं ही पी लेती हूँ। अरे वो हमारे नसीब के अंडे किसी और के मैदे में जा पहुंचे। दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। ये देखिए अंकल, फैंस कितना मजाक उड़ा रहे हैं हमारी शादी का फंक्शन कैंसिल होने पर। हाँ तो तुम्हारे फैंस की गैर खानदानी हरकत की वजह से हुआ है ऐसा? आज खानदान को खाना नहीं मिला रहा। अंकल स्टार्स की शादियां ऐसी होती है, आपने तो उठाकर हमारे रिसेप्शन ही कैंसिल कर। डोंट वरी, मैं स्टेटस लगा रहा हूं कि हम डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहे हैं। बहन जी तब तक अपने बाबू वेडिंग हॉल में हुई नहीं, डेस्टिनेशन वेडिंग कराओगे? आपको बताया तो है कि वो शादियों का सीजन था तो 3-3 महीने से हॉल बुक थे, इसलिए घर पे करनी पड़ी मेहंदी। हाँ बेटा तुम्हारे अंकल गुलजार ठीक कह रहे हैं भाई, समझने की कोशिश करो, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे वो। वैसे भी निकाह तो हो गया, अब क्या हल निकलेगा? अंकित लोग स्टार्स की शादी का ना फिक्स के वेट करते हैं, हैशटैग बनाते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं। हम किसको क्या जवाब देंगे बताओ? ठीक कह रही है बेबी। बेबी ये बेबी डॉल वाली हरकत है ना अपने रूम में क्या करो, और वो शूट वूट करवा लेना चांद और तारा की शादी पर अगले संडे को। अगले संडे तक तो शायद आप चली जाएंगी। आपकी खातिर सीट आगे करवा लूंगी। अच्छा इनकी खातिर या अपनी बेटी की खातिर? अब वही कान ही पकड़ना ना, जिधर मर्जी से पकड़ लो। बाबू भैया वो चांद की आज शादी की चल के डेट फिक्स करा ली, उसकी सास का भी बहुत ही बुरा मूड था उस दिन।
अरे भाई वो सेंसिबल खातून है, अंडरस्टैंड कर लेंगी। पहले तो इनकी रुखसती का स्यापा तो नबेड़े। इनकी रुखसती तो अब अगले संडे ही होगी, हम तो यही रहेंगे। रौनक मेला देखने का मजा ही आ रहा है जी। लगता है कि आप तो मेला लूट चुकी हैं। वे डॉक्टर राजिया का मैसेज आया, शाम को चाय पे बुला रही है, जाना चाहिए। इसको क्यों मैसेजेस करती है? चीनी तो डालो उसमें। हाँ, मुझे आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है, अगर आप लोगों को एतराज ना हो। क्या कहना है? वो मैं जहेज नहीं लेना चाहती। तो बेटा आपसे मांगा किसने? नहीं एक्चुअली हमने म्यूचुअली डिसाइड किया था कि जहेज वहेज बरी शरी ये सब नहीं बनाएंगे। और मामा जो पैसे देंगी वो हॉस्पिटल के उस बजट में दूंगी जहाँ मरीजों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। वाओ, बैठिए। क्या बात है, वाओ। और दूसरी बात ये कि मेहंदी माइयों की रस्म नहीं होगी, बस एक ही फंक्शन होगा, निकाह और रिसेप्शन दोनों का। लेकिन मामा तुम चुप रहो। भला ये मेहंदी की रस्म क्यों नहीं होगी? पूरी शुगर फैक्ट्री बन गई। इसलिए कि हम वेल एजुकेटेड लोग हैं। हमें उन तमाम रस्मों को कंडेम करना चाहिए जिनकी वजह से लोगों की जिंदगियां मुश्किल बन जाती हैं। राजी की बात में वजन तो है। अरे बेटा चांद, जरा चीनी देना यार, कम है इसमें। चीनी तो खत्म हो गई। तो तुमने कौन सा चाइना जाना है यार, किचन तक जाना है ना, जाके ले आओ। हाँ मैं ले आता हूँ। Excuse me. ये तो बड़ी कोई बेस्वादी शादी हो गई फिर तो। रात सवाद ले नहीं लिया आपने, और कितना लेना चाहेंगे आप सवाद? अच्छा थोड़ी बैंड बाजे की गुंजाइश तो निकाले। अरे वो तो बारात में निकल आएगी, बैंड बाजे की गुंजाइश। हाँ लेकिन बच्चों की भी तो खुशी की बात है ना। अरे छोड़ो ऐसी खुशी को, रात देख ही लिया ना कितना तमाशा हुआ था, और आधा खानदान तो वैसे ही खफा है, कौन आएगा? वैसे सलीम साहब आप मुझे काफी सेंसिबल लगते हैं, आप समझाएं इन लोगों को कि सैटरडे को एक ही फंक्शन होगा, निकाह और रिसेप्शन दोनों का। लो जी अब तो ये समझ ही जाएंगे। बाबू भैया फाइनल करें तो फिर फाइनल है कि हफ्ते के रोज बाबू वेडिंग बेल्स में रिसेप्शन और वलीमा दोनों के फंक्शन हो। इंशाल्लाह। तो नजर ही लग गए सारे फंक्शंस को। आप सिर्फ मुझ पे नजर रखे हैं। अरे यार हमने जहेज और बरी से मना किया, मम्मा ने मेहंदी से मना कर दिया, हिसाब बराबर, इसमें खफा होने वाली क्या बात है? तुम एक काम करो, भगा कर ले जाओ मुझे, ताकि दुखी खत्म हो जाए कि मेरी मेहंदी और माइयों नहीं हुआ। अरे जानू मैं खुद आके मेहंदी लगाऊंगा तुम्हें अपने हाथ से, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। वेरी फनी, मुझे कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का डिजाइन नहीं बनवाना है, मामा ने तो सारा मूड ही खराब कर दिया है मेरा। अरे यार इतनी बड़ी तो बात भी नहीं हुई जितना तुमने मुंह फुला लिया। तुम्हें नहीं पता मुझे कितना शौक है मेहंदी माइयों शादी ढोलक हल्ले गुल्ले का। हम संभाल लेंगे ना जी। डॉक्टर साहब अभी तो शादी का पूरा पोस्टमार्टम ही कर डाला, मेरा तो दिल ही खराब हो गया सच। देखे ना चाची, भला ऐसे होती है कोई शादी? और नहीं तो क्या, हमने कितने ख्वाब देखे थे कि अपने चांद के लिए शादी का लहंगा बनाएंगे। मेरे लिए? अरे तुम्हारी दुल्हन के लिए, और मायूं का जोड़ा बनाएंगे, सारे ख्वाब ही चिकना चूर हो गए। चाची मैं शादी और मायू का जोड़ा आपकी पसंद का ही पहनूंगी, अब मायू चाहे ना हो मैं घर में पहन के घूमूंगी। सच? मस्का लगा रही है आपको ये? सारे बात सुनो मेरी जी। सुनो तारा, मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना था, तो मैं कब आऊं? आप जब चाहे आ जाए, आपका अपना हॉस्पिटल है। जुग जुग जियो, सदा खुश रहो। तुम्हें पता है कि चांद जो है ना वो मुझे बहुत प्यारा है, यूं समझो मैं उसकी चची नहीं मैं उसकी माँ हूँ। बताया था उसने मुझे। अच्छा ये
वैसे तुम्हारी अम्मी ने उसको क्यों बुलाया? पता नहीं। जहेज ना देने का फैसला मेरा नहीं, तारा का है। नहीं नहीं, सिर्फ तारा का फैसला नहीं है, ये हम दोनों का मुश्तरका फैसला है। मैं बहुत सादगी से करना चाहती हूँ अपनी बेटी की शादी। जी मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तो आपकी खुशी में ही खुश हूँ मम्मा। और तुम्हें याद है ना किस शर्त पर मैं तुम्हारी और तारा की शादी के लिए राजी हुई हूँ? मुझे अच्छे से याद है अपना वादा। तो मुझे पासपोर्ट मेल करो ताकि मैं वीजे के लिए अप्लाई करूँ, तब तक तुम तारा को कन्विंस कर लेना। जी हाँ, और वो फौरन कन्विंस हो जाएगी। तू चांद और मैं तारा।